शोपियां में एक गुज्जर समुदाय की लड़की जबीना बशीर नीट 2021 में क्वालिफाई कर MBBS के लिए चयनित हुई है। चेन्नई के भाजपा कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंका गया है। सूत्रों के मुताबिक एक अज्ञात व्यक्ति ने तमिलनाडु भाजपा कार्यालय पर देर रात करीब 1 बजे पेट्रोल बम फेंका। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए 15,11,321 सैंपल टेस्ट किए गए, वहीं कल तक कुल 74,61,96,071 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी का भी बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि देश को हर डर से मुक्त करने के लिए वोट दो। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर स्वास्थ्य प्रोटोकॉल की पालना करते हुए 11 फरवरी से श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोला जाएगा। सूरत में कलाकार ने प्रसिद्ध गायिका दिवंगत लता मंगेशकर की रंगोली बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 67,084 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 1,241 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैठक में लिए फैसलों का ऐलान करते हुए कहा कि इस बार भी नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इंद्राणी मुखर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। अदालत को आदेशों की कॉपी न मिलने के कारण मामले की सुनवाई सोमवार यानी कि 14 फरवरी के लिए स्थगित कर दी गई है। मुजफ्फरपुर में एक दूल्हा शादी होने से ठीक पहले अपना वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंचा। इस मौके पर अंकुर बालियान ने कहा, पहले मतदान, उसके बाद बहू और उसके बाद ही सब काम होंगे।